फ्रेंड्स नमस्कार, पिलगुड विथ वही संतोष में मैं हूँ वही संतोष। एक और शानदार वीडियो के साथ हम मौजूद हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के अब तक के पांच सबसे ज़्यादा हिट मूवी देने वाले, बॉलीवुड के पांच सबसे सक्सेसफुल खलनायकों के बारे में। बॉलीवुड में हर फिल्म का निर्माण इस उद्देश्य के साथ होता है कि वह फिल्म बॉलीवुड की एक बड़ी हिट फिल्म साबित होगी, लेकिन बॉलीवुड के बहुत कम ही ऐसी फिल्में होती है जिसको यह नसीब हो पाता है। ऐसे ही पांच सबसे ज्यादा हिट मूवी देने वाले खलनायकों की बात इस वीडियो में हम करेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले उस विलन की बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड के 108 साल के इतिहास में हिट मूवी देने के मामले में पांचवें स्थान पर हैं। वो हैं डैनी डेंगजोप्पा। सिक्किम से संबंध रखने वाले बॉलीवुड के जबरदस्त खलनायक डैनी डेंगजोप्पा ने अपने कैरियर की शुरुआत बी आर इशारा के बी ग्रेड फिल्मों से की थी। वहीं इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। घातक के कात्या और क्रांतिवीर के चतुर सिंह चिता के चरित्र के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि जबरदस्त खलनायक डैनी डेंगजोप्पा ने अपने कैरियर में कई सफल फिल्मों में काम किया है, जैसे खुदा गवाह, सनम बेवफा, क्रांतिवीर, धूत, घातक, अग्निपथ, लैला मजनू, संग्राम, बुलंदी, इतवार, कालीचरण, प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों में काम किया है। पर अगर इनके कुल फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने अब तक 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं पर अगर इनके हिट फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि इनके हिट फिल्मों की संख्या 128 है। वहीं पर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने के मामले में डैनी डेंगजोप्पा पांचवें स्थान पर हैं। इसके बाद चौथे स्थान पर जिस खलनायक की हम बात कर रहे हैं वो है बॉलीवुड के प्रकाश राज। आपको बता दें कि तमिल और तेलुगु फिल्मों से अपने कैरियर की शुरुआत कर बॉलीवुड में पैर जमाने वाले बॉलीवुड के जबरदस्त विलन प्रकाश राज बॉलीवुड के इकलौते विलन है जो बॉलीवुड के जबरदस्त विलन अमरीश पुरी के निधन के बाद उनका जगह लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर इन्होंने वांटेड, दबंग, जंजीर, पुलिस गिरी, सिंघम, हीरोपंती जैसी फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों में इन्होंने गन्नी भाई, जयकांत सिकरे जैसे दमदार भूमिका निभाकर लोगों के दिल और दिमाग पर जबरदस्त छाप छोड़ी है। वहीं पर अगर इनके कुल फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि इन्होंने 320 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें अगर इनके हिट फिल्मों की बात करें तो उसकी संख्या 210 है। वहीं पर बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने वाले खलनायकों की लिस्ट में ये चौथे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे बॉलीवुड के इतिहास में जो सबसे ज्यादा हिट मूवी देने वाले खलनायक है वो है आशीष विद्यार्थी। बॉलीवुड के साथ साथ 11 अन्य भाषाओं में अपनी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज से लोगों के दिल और दिमाग पर राज करने वाले, साथ ही साथ अपनी चरित्र में जान भर देने वाले बॉलीवुड के जबरदस्त खलनायक हैं आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी ने अपने कैरियर में वास्तव, अर्जुन पंडित, जानवर, मेजर साहब, सोल्जर, यमराज, एक रिश्ता, जिद्दी, जी, मृत्युदाता, बाजी, महसीना मान जाएगी, द्रोह काल जैसी फिल्मों में काम किया है। वहीं पर इनके कुल फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि इनके कुल फिल्मों की संख्या 180 है। वहीं पर अगर इनके हिट फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि उसकी संख्या 105 है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने के मामले में विलनों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं आशीष विद्यार्थी। इसके बाद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने के मामले में जिस विलन का नाम दूसरे नंबर पर आता है वो है बॉलीवुड के प्राण यानी प्राण साहब। प्राण साहब ने अपने दमदार आवाज और जबरदस्त अंदाज के दम पर हिंदी फिल्म में जबरदस्त तरीके से लंबे समय तक राज किया है। प्राण बॉलीवुड के वो खलनायक हैं जिन्होंने बॉलीवुड में खलनायकों को हीरो से ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है। वहीं पर अगर इनके मेहनताने की बात करें तो आपको बता दें कि प्राण साहब बॉलीवुड के इकलौते ऐसे खलनायक हैं जो कभी अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसे लेकर के फिल्मों में काम करते थे। बॉलीवुड में इनका कैरियर 50 साल से भी ज्यादा लंबा रहा है, जिसमें इन्होंने कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है, जिसमें पाप की दुनिया, धर्म युद्ध, कसम, ईमानदार, कालिया, अमर अकबर, अंथोनी, डॉन, गद्दार, शराबी, जंजीर जैसी फिल्मों में काम किया है। वहीं पर इनके अगर कुल फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने 50 साल के करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं पर अगर इनके हिट फिल्मों की बात करें तो उसकी संख्या 210 है। प्राण साहब बॉलीवुड में
सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने के मामले में खलनायकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे। इसके बाद बॉलीवुड के हम उस खलनायक की बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड के 108 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने के मामले में नंबर वन पे हैं। वो हैं बॉलीवुड के मगम्बो यानी अमरीश पुरी। अमरीश पुरी अपने जबरदस्त आवाज और अंदाज के साथ साथ बॉलीवुड पर राज भी करते थे। वहीं पर आपको बता दें कि अमरीश पुरी अब हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे तो कई जबरदस्त विलन हैं, लेकिन आज तक कोई भी विलन उनका जगह नहीं ले पाया है और उन्होंने अपने कैरियर में दामनी के वकील चड्ढा और घायल के बलवंत राय और मिस्टर इंडिया के मोगम्बो जैसे यादगार किरदार को इन्होंने जीवंत बनाया है। वहीं पर इन्होंने अपने कैरियर में गदर, चाइना गेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोयला, इतिहास जान, दिल जले, करण अर्जुन, दामनी, तहलका, विश्वात्मा, संग्राम, फूल और कांटे, घायल, आज का अर्जुन, राम लखन, मिस्टर इंडिया, नागिन जैसी फिल्मों में काम किया है। वहीं पर इनकी अगर कुल फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं पर अगर इनके हिट फिल्मों की बात करें तो इसकी संख्या 278 है। वहीं पर बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हिट फिल्म देने के मामले में खलनायकों की लिस्ट में ये बॉलीवुड के खलनायक नंबर वन है, अमरीश पुरी। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि वो बॉलीवुड का कौन सा खलनायक है जो है आपकी नज़र में खलनायक नंबर वन। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।